आपके घर के खिड़कियों पे कुछ इस तरह की आप मच्छरों की जाली लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए। और इस जाली की खास बात यह है कि इसको कभी भी आप निकाल के अपने खिड़की को बंद या चालू कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ वायरल हिंदी की स्पेशल सीरीज़ वायरल मैकेनिक में। और इस सीरीज़ में आपको मैकेनिकल वीडियो देखने को मिल सकते हैं और इसका प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में जाके हमारे और भी मैकेनिकल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए देख लेते हैं। आपको कुछ इस तरह की कील चाहिए और एक हैमर चाहिए उस कील को मारने के लिए। और उसके बाद वेलक्रो, जो दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। और आपको उसके बाद मेन चीज़ जाली चाहिए। तो उसके बाद हम वेलक्रो को लेंगे और खिड़की के साइज़ के हिसाब से देख के उसको कट कर देंगे। तो किसी इस प्रकार हम 4+4 हार्ड वाले 4 और सॉफ्ट वाले 4 को कट कर लेते हैं विंडो के साइज़ के हिसाब से। उसके बाद हम विंडो का एक बार माप लेंगे, उसके हिसाब से हम जाली को कट कर लेंगे। माप लेने के बाद उस हिसाब से जाली के ऊपर मार्किंग करके हम उस जाली को कट कर लेते हैं। फिर कट करने के बाद उस वेलक्रो, जो हार्ड वाला वेलक्रो है, उसको आप खिड़की पे कील मारना है कुछ इस तरीके से। अच्छे से कील मारना है। इस तरह से आप चारों साइड से जो वेलक्रो है हार्ड वाला उसको लगा के चारों साइड से कील मार देना है। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, जो ऊपर सॉफ्ट वाला उसके ऊपर चिपका दिया गया है। अब जो सॉफ्ट वाला वेलक्रो है जो ऊपर लगा हुआ है उसको हम जाली को जो बॉर्डर पॉइंट है वहाँ पे उसको सिलाई मार लेते हैं। और सिलाई अच्छे से दोनों साइड से भी अच्छे से मार लेना है ताकि फ्यूचर में उस प्रॉब्लम ना हो सके। तो जाली के चारों ओर भी जो सॉफ्ट वाला वेलक्रो है को अच्छे से सिलाई करना है। ये देख सकते हैं आप, ये हो चुका है चारों ओर भी। तो हम अभी इस पे ये जाली को चिपका देंगे। देख सकते हैं वेलक्रो किस तरह से लगाया है। तो इस जाली को हम उसके ऊपर सिंपली चिपका देना है और कुछ नहीं करना। इन फ्यूचर में कभी आप विंडो को वगैरह खोलना है तो इसको निकाल के आप बड़ी आराम तरीके से विंडो को बंद या चालू कर सकते हैं।